नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वैक्सीनेटर भाई ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और एक संदेश दिया है सभी वैक्सीनेटर सहायकों के लिए कि आप भी अगर सोशल मीडिया पर इस प्रकार से मांगे करते हैं तो ज़रूर आपकी मांगे कभी ना कभी सरकार तक पहुंचेंगी और आपकी मांगे ज़रूर पूरा होंगी। तो क्या लिखा है ब्रजेश कुमार जी ने, पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इतना बढ़िया कमेंट किया और सभी के लिए समझ सकते हैं कि एक अच्छा संदेश दिया, इसलिए मैंने इनके वीडियो को शामिल किया है अपने इस वीडियो में, इनके कमेंट को शामिल किया है, माफ़ कीजिएगा। और चलिए बताते हैं कि क्या इन्होंने लिखा है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और इन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम संदेश। महोदय, आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कार्यरत निराश्रित वेतन विहीन पशु मित्रों को उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए प्रशिक्षित मानदेय देने की कृपा करें ताकि उनका जीवन यापन हो सके और परिवार का भरण पोषण हो सके। नमस्कार। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और देख सकते हैं कि ये इनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इतने दिनों के काम करने के बाद भी जो है अभी तक ये वेतन विहीन है और इनको अभी तक उनका जो उचित मानदेय है वो नहीं मिला, जबकि इनको कोई बहुत बड़ा प्रशिक्षण भी नहीं प्रदान कराया गया जैसा कि चाहिए था कि इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता जो वैक्सीनेटर सहायक हैं और उनकी जो कार्य कुशलता है वो उससे जो है इंक्रीज होती बढ़ती। और इसी को देखते हुए जो है इस पर विचार किया जाए और साथ में जो इन लोगों को है वो इनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाए, साथ में इनको प्रत्येक महीने वेतन भी प्रदान किया जाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर आपके भी कोई विचार हैं तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।